करते हुए खो जाए। शरणागति और प्रार्थना का प्रत्यक्ष फल हो जाता है, शरणागति और प्रार्थना का तुरंत लाभ। सच्चे हृदय से भगवान को प्रार्थना करें। इस कलयुग के दोषों में हम फंसे हैं, विकारों में फंसे हैं, तेरी अद्भुत माया में हम उलझे हैं। हे ओम स्वरूप ईश्वर, हे अंतर्यामी ईश्वर, ओमकार के देवता अंतर्यामी ईश्वर है, ओमकार के ऋषि भगवान नारायण स्वयं है। हे प्रभु, आप इसी मंत्र के ऋषि हो और अंतर्यामी देव हो, हम तुम्हारी शरण है। हमें सद्बुद्धि दो, तुम्हारे ध्यान का रस, तुम्हारे ज्ञान का प्रकाश और तुम्हारे सामर्थ्य का सद्गुण हमारे चित्त में प्रभु आ जाए, ताकि हम विकारों से बचें, पापों से बचें और तेरी प्रीति के भाजन बने। भजताम प्रीति पूर्वकम, तुम्हारा वचन है मेरे प्रभु, जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है उसे मैं बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि भोग में तो गिराने वाले करोड़ों लोगों के पास है, लेकिन तेरी जिस पर कृपा होती है उसकी बुद्धि में तू योग देता है। हे देव, हे प्रभु, हे बुद्धि को योग देने वाले देव, तेरे नाम का स्मरण करते करते हमारा मन पवित्र हो रहा है, हमारा हृदय कमल पावन हो रहा है। प्रभु, हे पावन से पावन प्रभु, तेरे नाम का हम आश्रय ले रहे हैं, तेरी शरण आ रहे हैं। देव, जो तुझ में शांत होता है वही तेरी शरण का अधिकारी होता है, तेरी शरण का एहसास करता है। हम बाहर की आंखों से बहुत कुछ देख चुके, अब हृदय की आंख, हृदय की रसधारा तू देने वाला देव। मत बजाना, भीतर डूबना है। जो इधर उधर झांकता हो उसको अक्कल दे देना अपने भाग्य पर, दुर्भाग्य न खींचे। इधर उधर झांके उसको अक्कल दे देना अपने भाग्य को, दुर्भाग्य के खाई में न गिराए। इधर उधर झांकना नहीं, अंतर में प्रीति करते जाना, अंतर्यामी को प्रार्थना करते जाना। जो तेरी शरण आता है दे, तू तुरंत उसे शांति देता है, उसे सद्बुद्धि ज्ञान प्रसाद से पावन करता है। हे भगवान, हे इष्ट देव, हे ओमकार के देवता अंतर्यामी, हे ओमकार के ऋषि भगवान हरि नारायण, हम तुम्हारी शरण आ रहे हैं।
तुम अपनी करुणा खपा से हमारे चित्त को तेरी प्रसादी से पावन होने दे। मेरे प्रभु कलयुग के दोषों से हमारी रक्षा कर, तेरी माया से रक्षा कर, मोह ममता से हमारी रक्षा कर। प्रभु दुष्ट चीजों के आकर्षण से हमारी रक्षा कर। प्रभु पाप ताप से हमारी रक्षा कर। मेरे देव तू अपनी शरण दे। जो नहीं जप सकता उसकी जीभ पर पाप बैठा होगा। जिसको अच्छा नहीं लगता है समझो उसके घोर पाप उसको भगवत शरण नहीं जाने देते। तो अपने पापों का प्रायश्चित करके भगवान को पुकारे कि प्रभु अब रक्षा करो, मेरे पाप तेरा नाम नहीं लेने देते, तेरे ध्यान में डूबने नहीं देते। मेरे प्रभु रक्षा माम देव, पाही माम प्रभु। हे अनाथों के नाथ, हे भक्तवत्सल, तेरा ध्यान नहीं करने देता है मेरा पापी मन, तेरी शरण में मुझे रसमय नहीं होने देता है देव। हे रस स्वरूप, हे ज्ञान स्वरूप, हे माधुर्य स्वरूप, जिससे सुना जाता है उसमें डूबना है, बहुत देखा जिससे देखा जाता है उस दिल भर के आनंद में आना है, बहुत भटके बहुत माताओं के गर्भों में लटके बहुत पिताओं के शरीर से पटके गए, पटके भटके लटके अब तेरी शरण आ रहे। ओ मो 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 प्रभु देव आनंद दाता ज्ञान निधि पूर्ण प्रभु पूर्ण ब्रह्म माझी माउली मेरे माता पिता सच्चे बंधु और सखा। अरे पापी मन बाहर कहाँ देखेगा, अभी ध्यान की रसधार नहीं मिल रही तो आंसू बहा ले अपने पापी हृदय के प्रायश्चित से कुछ कर्म काट ले रे मेरे मनवा। अगर ध्यान लगता है तो प्रीति पूर्वक भगवान के नाम रस का पान कर मेरे मनवा।
सोचिए मकर संक्रांति का ईश्वर माधुर्य के प्राप्ति के मार्ग का संकेत करने वाला ऋतु पर्व सूर्य उत्तरायण को चलते मकर राशि में तबर ये मकर संक्रांति का पर्व होता है। ये ऋतु पर्व हमारे मन की वृत्ति को भी ऋतु पर्व को भोग में से हटाकर भगवत योग में लगाने में सहयोग कर इस उत्तरायण का इंतजार करने वाले देवव्रत भीष्म पितामह 58 दिन तक इंतजार किया था। हम इस पर्व के निमित्त देवताओं के ब्रह्म मुहूर्त में देवादि देव भगवान श्री प्रणव का ओमकार का जो योगी लोग ध्यान और जप करते जिस प्रणव से सारे मंत्र विशेषता पाते हैं ऐसे ओमकार स्वरूप प्रभु ओमकार स्वरूप मेरे अंतर्यामी देव हम तुम्हारी शरण है। शास्त्र कहते भगवान की शरण और भगवान की प्रार्थना तुरंत फलती है और हम अनुभव कर रहे हैं तुम्हारी शरण और तुम्हारी जरा सी प्रार्थना से हमारा पापी तापी मन शांत और मधुर हो रहा है। प्रभु प्रार्थना और शरणागति तुरंत कल्याण करने वाली है और जो जागतिक चीजों की प्रार्थना करते हैं वे ठीक रे मांगने की बेवकूफी करते हैं। हम तुझसे ये प्रार्थना नहीं करते तुझसे वही प्रार्थना करते प्रभु कि तेरी प्रीति का दान दे दे दिल में आराम दे दे जन्मों का भटकान से विराम दे दे मेरे अंतर्यामी देव मेरे परमेश्वर देव
तुम्हारी रग रग पावन हो गई। इस ओमकार के महामंत्र से मन के दोष निकल रहे, चित्त पावन हो रहा है, हृदय कमल खिल रहा है। अंतर्यामी देवता हमारी प्रार्थना तुरंत सुनते हैं और हमें पावन करने में देर नहीं करते। पतित पावन जो ठहरे। आनंद दाता हो, ज्ञान स्वरूप हो, पतित पावन हो, परम सुहृद हो, प्राणी मात्र के परम हितेशी हो और तुम हमारे अपने हो। ओम 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 ओम। मृत्यु के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ने वाले तुम ही तो हो, दूसरा हमारा कोई नहीं। शरीर भी हमारा अपना नहीं, लेकिन तुम हमारे हो, तुम हमारे निज आत्मदेव हो, अंतर्यामी देव हो और तुम्हारा स्वाभाविक ध्वनि ओमकार प्रभो दीन बंधो गुरुओं के गुरुदेव इष्ट देव आनंद देवा। माधुर्य देवा पुण्यात्मा उठ के जा नहीं सकता और साधारण आत्मी ये जप कर नहीं सकता, तुच्छ आत्मा ये जप कर नहीं सकता और पुण्यात्मा ही उठ के जा नहीं सकता।
कांति उज्ज्वलता। आभासा विकास और ये जप करने वाले की चौथी शक्ति प्रीति शक्ति जागृत होने लगती है और पंचम शक्ति जप करने वाले की तृप्ति शक्ति जागृत होने लगती है। जो जो जप करते जाओगे प्रीति से हृदय में एक प्रकार की भगवतीय तृप्ति जागृत होती जाएगी। दुनिवी तृप्तियां तो साधक को भक्त को बांधती है और ये ओमकार के जप की तृप्ति भक्त को मुक्ति प्रदान भगवतीय रस प्रदान करती है। ये तृप्ति शक्ति जागृत हो रही है। ये पंचम शक्ति में तुम पहुंच रहे हो। छठी शक्ति है अवगमन मनोभाव ज्ञाता शक्ति। अधिक मानसिक जप से दूसरे के मन के भावों को पढ़ने की क्षमताएं विकसित होती है। ये ऐसा ओमकार समर्थ है। सातवीं शक्ति प्रवेश अवंति ही सर्व अंतः प्रवेश अवंति सर्व अंतः स्फूर्णा। और आठवीं शक्ति इस ओमकार भगवान के जप की श्रवण में सूक्ष्मता आ जाएगी। उस देव की वाणी भी सुन सकते हो, देव की प्रेरणा भी सुन सकते हो, देव से परामर्श भी कर सकते हो। नौवीं शक्ति नियामक शक्ति शासक शक्ति। सामर्थ्य शक्ति विकसित होती है। और दसवीं शक्ति याचना प्रार्थनीय प्रदाता। अर्थात तुम उस ओमकार की साधना वाले को कोई प्रार्थना करे तो याचक की इच्छा पूरी करने का सामर्थ्य भी जगता है इस ओमकार की साधना से। ग्यारहवीं शक्ति क्रिया निरंतर क्रियाचरक शक्ति। रामतीर्थ की जाग गई थी और वे सो रहे थे तब भी ओमकार की सुंदर ध्वनि उनके शरीर से निकल रही थी। जब पता चला तो तीर्थराम गदगद हो गए कि अब तीर्थराम नहीं रहे, हम राम तीर्थ हो गए। जहाँ जाएंगे वो भूमि तीर्थ होने लगेगी। ओमकार के जप ने अब अपने आप हमारे तन मन को जीवन को अपने नियंत्रण में ले लिया है। अब ओमकार हमको जपना नहीं पड़ता, अपने आप हो रहा है। क्रिया निरंतर विचारक शक्ति विकास। बारहवीं शक्ति है इच्छित अवंति। अर्थात स्वयं इच्छा करके निष्काम होते हुए भी दूसरे की शुभ इच्छाओं का प्रकाश करने की शक्ति विकसित हो जाती है। तेरहवीं शक्ति दीप्ति अर्थात अंधकार नाशिनी शक्ति जागृत होती है। ज्ञान का प्रकाश अपने आप होने लगता है जो ओमकार का पावन जप ध्यान करता है। चौदहवीं शक्ति व्यापिनी शक्ति। व्यापिनी अर्थात पूरे ब्रह्मांड को जो व्याप रहा है पर ब्रह्म परमात्मा, उसके साथ आपकी चित्तवृत्ति व्यापिनी शक्ति के साथ एकाकार होने लगती। पंद्रहवीं शक्ति आलिंगन अपानयन शक्ति। आप दूर होते हुए भी सबको अपने संकल्प से आलिंगन कर सकते हैं। सबको स्नेह भरी सांत्वना और स्नेह भरा सुंदर मार्गदर्शन दे सकते हैं। सोलहवीं शक्ति हिंसा दुष्ट दमन अज्ञान नाशिनी। अर्थात राम तीर्थ पर छे छे भालू आ गया, हुम ओमकार की गर्जना करके हुम करा तो भाग गए। दुष्टों को दंड
एकादि इसके हुंकार मात्र में अद्भुत सामर्थ्य छुपा है। और ऐसा जप करने वाले सामूहिक साधक जैसा चाहे ऐसा वातावरण बन सकता है। सत्तरवीं शक्ति दान शक्ति पुष्टि शक्ति जागृत होती है। अठारहवीं शक्ति भोग के दुष्ट आकर्षणों की वृत्तियों को हटाकर स्थूल जगत में जो आज तक फंसे थे उस फसान से निकालकर तुम्हें सूक्ष्मतम परमात्मा रस देने का सामर्थ्य दे। और उन्नीसवीं शक्ति वृत्ति प्रकृति संवर्धक रक्षक की शक्ति जागृत हो। ये तो उच्चारण के ग्रामर के हिसाब से, बाकी इस ओंकार के मंत्र के देवता भगवान अंतर्यामी स्वयं है। और इसकी महानता जानने वाले ऋषि भगवान चतुर्भुजी नारायण स्वयं है। और इस ओंकार की छंद गायत्री है। ये सकाम भाव से, निष्काम भाव से, निराकार रूप से, साकार रूप से सभी लोग इसकी उपासना और जप कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को अधिक जप की मना की गई। ये बहुत फक्कड़ बना देता है, बलवान बना देता है। माया मासिक धर्म में ओंकार नहीं जपे, और अकेला ओंकार न जपे, थोड़ा जपे बाद में उसके साथ ओम नमः शिवाय अथवा और कोई हरिओम आदि गुण। अभी तो सामूहिक हम जप कर रहे हैं, जल वृष्टि में आएगा आनंद और माधुर्य उभारने को प्रीतिपूर्वक। भगवान का वचन है, जो मुझे प्रीतिपूर्वक बचता है उसे मैं बुद्धि योग दे देता हूँ। बुद्धि तो खटमल के पास भी है, लेकिन बुद्धि ऐसी जो मुझ परमेश्वर अंतर्यामी से योग करने वाली। एक बार तुम बोलो, एक बार हम बोले, बाद में आप भी मौन का लाभ लो, हम भी बीच में मौन लें। ओम 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 ओम। अब हम मौन में बोलेंगे, आप ऊपर से बोलो। जोर मत मारो, शक्ति का ज्यादा खर्च मत करो। ओम 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 ओम। चार बार मानसिक, चार बार मौखिक, क्योंकि देर सवेर मानसिक में भी पहुंचना है। अभी से अभ्यास करो। चार बार मौखिक जपो, चार बार मानसिक। ओम 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 ओम। Oh, my.
देहियो। विकारों से बचे, पापों से बचे और तेरी प्रीति के भाजन बने। भजताम प्रीति पूर्वकम, तुम्हारा वचन है मेरे प्रभु। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है उसे मैं बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि भोग में तो गिराने वाली करोड़ों लोगों के पास है, लेकिन तेरी जिस पर कृपा होती है उसकी बुद्धि में तू योग देता है। हे देव, हे प्रभु, हे बुद्धि को योग देने वाले देव, तेरे नाम का स्मरण करते करते हमारा मन पवित्र हो रहा है, हमारा हृदय कमल पावन हो रहा है। प्रभु, हे पावन से पावन प्रभु, तेरे नाम का हम आश्रय ले रहे, तेरी शरण आ रहे हैं। देव, जो तुझ में शांत होता है वही तेरी शरण का अधिकारी होता है, तेरी शरण का एहसास करता है। हम बाहर की आंखों से बहुत कुछ देख चुके, अब हृदय की आंख, हृदय की रसधारा तू देने वाला देव। ताली मत बजाना, भीतर डूबना है। जो इधर उधर झांकता हो उसको अक्कल दे देना अपने भाग्य पर, दुर्भाग्य न खींचे। इधर उधर झांके उसको अक्कल दे देना अपने भाग्य को, दुर्भाग्य के खाई में न गिराए। इधर उधर झांकना नहीं, अंतर में प्रीति करते जाना, अंतर्यामी को प्रार्थना करते जाना। जो तेरी शरण आता है दे, तू तुरंत उसे शांति देता है, उसे सद्बुद्धि ज्ञान प्रसाद से पावन करता है। हे भगवान, हे इष्ट देव, हे ओमकार के देवता अंतर्यामी, हे ओमकार के ऋषि भगवान आदि नारायण, हम तुम्हारी शरण आ रहे हैं। तुम अपनी करुणा कृपा से हमारे चित्त को तेरी प्रसादी से पावन होने दे। मेरे प्रभु, कलयुग के दोषों से हमारी रक्षा कर, तेरी माया से रक्षा कर, मोह ममता से हमारी रक्षा कर। प्रभु, दुष्ट चीजों के आकर्षण से हमारी रक्षा कर। प्रभु, पाप ताप से हमारी रक्षा कर। मेरे देव, तू अपनी शरण दे। जो नई
नहीं जप सकता उसकी जीभ पर पाप बैठा होगा। जिसको अच्छा नहीं लगता है समझो उसके घोर पाप उसको भगवत शरण नहीं जाने देते। तो अपने पापों का प्रायश्चित करके भगवान को पुकारे कि प्रभु अब रक्षा करो, मेरे पाप तेरा नाम नहीं लेने देते, तेरे ध्यान में डूबने नहीं देते, मेरे प्रभु रक्षा माम देव पाहि माम प्रभु। हे अनाथों के नाथ, हे भक्तवत्सल, तेरा ध्यान नहीं करने देता है मेरा पापी मन, तेरी शरण में मुझे रसमय नहीं होने देता है देव। हे रस स्वरूप, हे ज्ञान स्वरूप, हे माधुर्य स्वरूप, जिससे सुना जाता है उसमें डूबना है, बहुत देखा जिससे देखा जाता है उस दिल भर के आनंद में आना है, बहुत भटके बहुत माताओं के गर्भों में लटके बहुत पिताओं के शरीर से पटके गए, पटके भटके लटके अब तेरी शरण आ रहे। ओ मो 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 प्रभु देव आनंद दाता ज्ञान निधि पूर्ण प्रभु पूर्ण ब्रह्म माझी माउली मेरे माता पिता सच्चे बंधु और सखा। ओम पापी मन बाहर कहां देखेगा, अभी ध्यान की रसधार नहीं मिल रही तो आंसू बहा ले अपने पापी हृदय के प्रायश्चित से कुछ कर्म काट ले रे मेरे मनवा। अगर ध्यान लगता है तो प्रीति पूर्वक भगवान के नाम रस का पान कर मेरे मनवा। मकर संक्रांति का ईश्वर माधुर्य के प्राप्ति के मार्ग का संकेत करने वाला ऋतु पर्व सूर्य उत्तरायण को चलते मकर राशि में तबर ये मकर संक्रांति का पर्व होता है। ये ऋतु पर्व हमारे मन की वृत्ति को भी ऋतु पर्व तो भोग में से हटाकर भगवत योग में लगाने में सहयोग कर इस उत्तरायण का इंतजार करने वाले देवव्रत भीष्म पितामह 58 दिन तक इंतजार किया था। हम इस पर्व के निमित्त
देवताओं के ब्रह्म मुहूर्त में देवादिदेव भगवान श्री प्रणव का ओमकार का जो योगी लोग ध्यान और जप करते, जिस प्रणव से सारे मंत्र विशेषता पाते हैं, ऐसे ओमकार स्वरूप प्रभु, ओमकार स्वरूप मेरे अंतर्यामी देव, हम तुम्हारी शरण हैं। शास्त्र कहते भगवान की शरण और भगवान की प्रार्थना तुरंत फलती है, और हम अनुभव कर रहे हैं तुम्हारी शरण और तुम्हारी जरा सी प्रार्थना से हमारा पापी तापी मन शांत और मधुर हो रहा है प्रभु। प्रार्थना और शरणागति तुरंत कल्याण करने वाली है, और जो जागतिक चीजों की प्रार्थना करते हैं वे ठीक रे मांगने की बेवकूफी करते हैं। हम तुझसे ये प्रार्थना नहीं करते, तुझसे वही प्रार्थना करते प्रभु कि तेरी प्रीति का दान दे दे, दिल में आराम दे दे, जन्मों का भटकान से विराम दे दे, मेरे अंतर्यामी देव, मेरे परमेश्वर देव, oh, my, oh, my.
माओ माओ ओ माओ माओ ओ माओ माओ तुम्हारी रग रग पावन हो गई। इस ओमकार के महामंत्र से मन के दोष निकल रहे हैं, चित्त पावन हो रहा है, हृदय कमल खिल रहा है। अंतर्यामी देवता हमारी प्रार्थना तुरंत सुनते हैं और हमें पावन करने में देर नहीं करते। पतित पावन जो ठहरे आनंद दाता हो, ज्ञान स्वरूप हो, पतित पावन हो, परम सुहृद हो, प्राणी मात्र के परम हितेशी हो और तुम हमारे अपने हो। ओम 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 ओम। मृत्यु के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ने वाले तुम ही तो, दूसरा हमारा कोई नहीं, शरीर भी हमारा अपना नहीं, लेकिन तुम हमारे हो, तुम हमारे निज आत्मदेव हो, अंतर्यामी देव हो और तुम्हारा स्वाभाविक ध्वनि ओमकार प्रभो दीन बंधो गुरुओं के गुरुदेव इष्ट देव आनंद देवा। माधुर्य देवा आत्मा उठ के जा नहीं सकता और साधारण आत्मी ये जप कर नहीं सकता, तुच्छ आत्मा ये जप कर नहीं सकता और पुण्य